अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में अब महज कुछ ही समय बाकी रह गया है। देश भर से अयोध्या में रामलला के लिए कई तरह के गिफ्ट भेजे जा रहे हैं, जिसमें सोने चांदी से लेकर दीपक घी अगरबत्ती समेत तमाम चीजें शामिल हैं। अयोध्या श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद और उसके अगले दिन तक एक कारोबारी ने महिलाओं को मुफ्त में चूड़ी बांटने की इच्छा जताई थी। आपको बता दें कि एक चूड़ी कारोबारी आनंद अग्रवाल ने ये काम भगवान श्री राम के साथ ही माता सीता को खुश करने के लिए किया है, जिसके लिए श्री राम मंदिर ट्रस्ट से अनुमति भी ले ली गई है और अब चूड़ियों के पैकेट तैयार किए जा रहे हैं। अब आपको बता देते हैं कि कारोबारी की तरफ से जो चूड़ियां महिलाओं को बांटी जानी है वो आम नहीं है। इनमें कंगन और चूड़ियों पर श्री राम, माता सीता और हनुमान की आकृति उकेरी जाएंगी। इन्हें महिलाओं को मुफ्त में बांटा जाएगा। कारोबारी के मुताबिक उन्होंने ये संकल्प लिया था कि जब भी श्री राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी तब वह अपनी तरफ से कुछ खास करेंगे। अब ये मौका आ गया है तो उन्होंने महिलाओं के लिए विशेष रूप की चूड़ी बांटने की तैयारी कर ली है। अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए चूड़ी कारोबारी ने 10,000 पैकेट तैयार कराए हैं। इन्हें श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा वाले दिन यानी 22 जनवरी और इसके अगले दिन 23 जनवरी को समारोह स्थल पर स्टॉल लगाकर बांटा जाएगा। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के दिन अपनी इच्छा पूरी करने वाले कारोबारी आनंद अग्रवाल का श्री राम मंदिर से खास जुड़ाव है। वह मंदिर आंदोलन में शामिल रहे हैं। बताया जा रहा है कि उन्होंने खुद कार सेवक के रूप में सहभागिता की थी। उस दौरान वह 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भी रहे थे। अब जब मंदिर बनने से लेकर श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का सपना साकार होने जा रहा है तब वह काफी खुश है।